ECIL में बहुत बम्पर भर्ती आई है। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, फीस क्या है, एग्जाम कब होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा, थोड़ा सा अदर मिस कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। एक और बिग अपडेट के साथ, बम्पर वैकेंसी के साथ आ गया हूँ ECIL के बारे में। तो ECIL वैकेंसीज के बारे में डिटेल समझने वाले हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, ऐसे अपडेट पाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए, और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो डिटेल समझते हैं पहले वीडियो को, उसके बाद कौन कौन एलिजिबल। अब देखिए, ECIL में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 300 वैकेंसीज आई है। 300 वैकेंसीज आई है, बहुत बम्पर वैकेंसीज है गाइस। आता 300 वैकेंसीज, ऐसे बोलते टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद ये, इसके बाद आपको सैलरी की बात की जाए 25,000 रुपया पर मंथ है, और अपर एज की बात की जाए 30 साल जनरल के लिए है गाइस। नंबर ऑफ पोस्ट 300 है, और देखिए इसमें क्या है, आपको एक साल के लिए पहले है कॉन्ट्रेक्चुअल, एक साल के बाद में एक्सटेंड हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 साल तक ये एक्सटेंड हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये अब कौन से, और इसके बाद आपको पहले साल आपको 28,000 रुपया पे करेंगे, उसके बाद दूसरे साल 31,000, बाकी 3 और 4 साल रिस्पेक्टली पे करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसके बेनिफिट है, TA और DA भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। देखिए ब्रांच की बात किया जाए, ब्रांच में आपके एलिजिबल जो भी है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास, मतलब 60% से आपकी ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये 4-5 ब्रांच एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए गाइज, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का 6 मंथ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, आपकी 80% जो परसेंटेज, जो 100 में से 80% आपका जो बीटेक में आपकी मार्क्स होंगे वहां से लिया जाएगा। उसके बाद बाकी 20% आपकी जो होगा आपका एक्सपीरियंस के बेस पे लिया जाएगा, उसमें भी 20% में आपका देखा है 5% आपका कौन सा वर्क किए हैं एक्सपीरियंस, एडिशन 2.5, एडिशन 6 मंथ आप ज़्यादा किए हो, एक्सपीरियंस मैक्सिमम 20 मार्क्स ऐड होंगे गाइस, ठीक है। चलिए ये चीज़ है, बाकी और भी चीज़ें हैं, एज लिमिट आपको बता दिया, बाकी आपका शुरू है फॉर्म, आपका बात किया जाए 11 तारीख से फॉर्म शुरू है, 11/12/2021 को, और लास्ट डेट है 21/12/2021। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें से आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब लोकेट कर दिया जाएगा गाइज, बाकी दैट्स इट। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए गाइज, इस फॉर्म को फिल करिएगा कैसे भी करके, और ज़रूर फिल करिएगा गाइज। थैंक यू गाइज, वीडियो अपडेट कैसी लगी जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, जय हिंद एंड